आप भी तकिया लगाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ना तो एलोपैथी रिकमेंड करती है तकिए के लिए, ना तो एलोपैथी की कोई रिकमेंडेशन है तकिए के लिए, ना आयुर्वेद रिकमेंड करती है तकिए का। तकिया केवल बीमार व्यक्ति के लिए है। अगर तकिया लगा के सोते हैं तो कोई ना कोई इसका मतलब बीमारी है, बीमारी के लिए ही तकिया का उपयोग होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति को तकिए की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तकिया तभी लगाएंगे जब कि हमें अच्छी तरह से नींद, नेचुरल नींद नहीं आ रही होगी। तो नेचुरल नींद तो लगभग सभी एनिमल्स बिना तकिए के सोते हैं, कभी बीमार नहीं होते। लेकिन जो लोग VIP जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो उनको अनेक बीमारियां होती है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे मोटापा हो, कब्ज की शिकायत हो, जोड़ों की बीमारी हो, दमे की शिकायत हो। ये तभी होती हैं जबकि कंफर्ट जोन में रहते हैं। सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं, तो हम कंफर्ट जोन में ना रहें, हमेशा हम मेहनत वाला काम करेंगे तो हमें बड़ी गहरी नींद आएगी। जो किसान खेत में कसी चलाता है, जो रनर 5 किलोमीटर की रनिंग करके आता है, जो बंदा जिम में जाता है कस के, तो उसको कभी भी नींद के लिए तकिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मेहनत खूब करें, शाम को खाना जल्दी खाने, जिससे कि नेचुरल नींद रात को जल्दी आए। खाना ही खाने के बाद, शाम को खाने के बाद में आप 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ, उसे आपको गहरी नींद आएगी, जिससे कि खाना आपका पूरा पच चुका होगा, तो तब आपको तकिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप अगर अननेसेसरी तकिया यूज़ करते हैं तो स्पॉन्डोलाइसिस हो सकती है, आपको स्ट्रेस में आप रह सकते हैं, हमेशा गर्दन एक तरफ अकड़ सकती है आपकी, और फिर सुबह नींद लेट खुल सकती है आपकी। रात को अच्छी तरह से नींद ना आने से आप लेट उठेंगे, और लेट उठना अनेक बीमारियों का कारण है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तकिया का उपयोग आप ना करें। अगर आप सुबह वॉक शुरू कर देंगे, रनिंग शुरू कर देंगे, आप सुबह योग करना शुरू कर देंगे और सुबह बॉडी की मालिश करेंगे, तो आपको रात को वैसे ही बड़ी अच्छी नींद आएगी और तकिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि हमारे दिन भर की एक एक छोटी छोटी चीज़ हमें डिसाइड करती है कि हमें बीमार होना है या हेल्दी रहना है। बड़ी बड़ी चीज़ों को तो बड़ा मैनेज कर लेते हैं, जो बड़ी कोई भी इवेंट होते हैं लाइफ में हम उसके ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को, लाइफस्टाइल की चीज़ों को हम इग्नोर करते रहते हैं, इसमें बीमारी का कारण होते हैं। जैसे मैंने पहले एक लाइव सेशन किया था कि वेस्टर्न टॉयलेट्स जो इंग्लिश सीट है वही हमारी बीमारी का कारण है, अगर हम इंडियन टॉयलेट का उपयोग करते हैं तो बड़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न कल्चर से बच के हम अगर इंडियन कल्चर को फॉलो करें तो उसमें तो हम बैठ के, जब हमें चेयर पर बैठना है, हम सीधा रहने के लिए तो पीछे एक बैक रेस्ट का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी कमर सीधी रहे, लेकिन सोते समय कभी भी तकिए के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तकिए का उपयोग ना करें। आयुर्वेद भास्कर पर आपको कैसे कैसे इंफॉर्मेशन की वीडियो चाहिए, हम वैसे ही आपके लिए लाइव सेशन लेके आएंगे, नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं जिससे कि हम समझ सकें कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा, आप खुल के बताएं। और जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है जगदम्बा ब्यूटी केयर चैनल, उस पर भी हर बीमारी के बारे में वीडियो बताई है। अगर हमें अपनी बीमारी का कारण खुद पता लग जाए तो बीमारियां होंगी नहीं, और हैं तो रिवर्स हो जाएंगी। गर्म पानी से नहाना बड़ी सारी बीमारी का कारण है। गर्म पानी भी हो तो इतना हो जितना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो बड़ी सारी बीमारियां होंगी। रूम हीटर चला के सोना ये भी बीमारी का कारण है। रूटीन में हमारी बॉडी की हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि सर्दियों में भी हमें गहरी नींद, अच्छी नींद आए, तो रूम हीटर वगैरह की जरूरत ना पड़े। तो हम इन आर्टिफिशियल गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं, उसके लिए हमारी बड़ी मेहनत वाली दिनचर्या होनी चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर बीमारी है भी तो उसे बड़ी जल्दी उसको रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू।